आज का हमारा टॉपिक है पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? जब आपके पास कोई चीज़ होती है, जैसे हिज बैग, उस लड़के का बैग, हर डॉल, ये बीच में आते हैं, ये ध्यान रखना। लड़की की डॉल, हर डॉल, माई पर्स, देयर बुक्स, आवर हाउस। लेकिन अब जब एंड में होते हैं तो यू की जगह लगता है योर्स। मी, आई मी देखोगे, उसकी जगह लिखोगे माइन। देम की जगह देयर, वी या अस की जगह आवर्स, ही की जगह हिज, शी की जगह हर। कैसे, ये बताती हूँ तुम्हें। डिड यू लूज योर बुक, क्या तुमने अपनी बुक कम कर दी, गुम कर दी। इज दिस, एंड में आ रहा है ना अब ये, तो अब ये वाले लगेंगे एंड में। इज दिस योर्स, बीच में आया तो योर, लास्ट में आया तो योर्स। माई मदर ब्रॉट मी अ न्यू डॉल, मम्मी मेरे लिए एक नई डॉल खरीद के लाई है। मी, तो द डॉल इज, मी की जगह क्या आ जाएगा, माइन। द डॉल इज माइन। आई सो मिस्टर एंड मिसेस सिंग्स, दो जने है ना, रेड कार में बैठे हैं, सिटिंग इन अ रेड कार। द कार इज, तो ये कार उनकी है ना, यानी दे आ रहा है ना ये, इसलिए तुम दे लगाओगे ना, तो दे के लिए एंड में क्या आएगा, देयर्स। क्या आएगा, देयर्स। देम, या मैंने एस नहीं लगाया, लगा लेना, देयर्स। कांति प्ले क्रिकेट विद अस, अब कांति लड़का या लड़की है, लड़का होगा, क्रिकेट खेलता है। अब ये बैट उस लड़के का है, तो द बैट इज हिज, द बैट इज हिज। मैंने कहा ना यहाँ हिज, और यहाँ हर्स लगाना, एस लगाना। अब जैसे ही शुरू में लगाते हैं, हिम बीच में लगाते हैं, शी शुरू में लगाते हैं, हर बीच में लगाते हैं, दे शुरू में लगाते हैं, देम बीच में लगाते हैं, ऐसे ही जब कोई चीज हो तो मी, अस, हिज, है ना, ये बीच में लगाते हैं। लेकिन एंड में लगाना हो तो ये आता है योर्स, माइन, देयर्स, आवर्स, एस लगाते। हिज में ऑलरेडी एस है, इसलिए एस नहीं लगाते। सुनीता वॉज राइटिंग विद अ रेड पेंसिल इन द मॉर्निंग, सुनीता जो है वो रेड पेंसिल से मॉर्निंग में लिख रही थी। द पेंसिल इज, किसकी है, सुनीता की, तो लड़की के लिए क्या आ जाएगा, द पेंसिल इज हर्स। आवर टीचर गेव अस दीज बुक्स, ये बुक्स टीचर ने हमें दे दी, तो दीज बुक्स आर, अब ये बुक हमारी हो गई, तो अस की जगह क्या आएगा, आर्स। दीज बुक्स आर आर्स। रवि एंड रतुल आर दीज योर वॉचेस, रवि और रतुल क्या ये तुम्हारी वॉचेस है, इफ दे आर, अगर ये तुम्हारी है, इफ दे आर योर्स, अगर ये तुम्हारी है, देयर्स नहीं आएगा, क्योंकि बात हो रही है कि अगर ये तुम्हारी है तो इफ दे आर योर्स, प्लीज कम एंड टेक देम, आओ और उनको ले जाओ। किंग आज द क्वीन, राजा ने रानी से पूछा, इज द लेटर, क्या ये लेटर तुम्हारा है, तो क्या आएगा, इज द लेटर योर्स, क्या ये लेटर तुम्हारा है। राहुल कलेक्ट द कॉइन, राहुल को कलेक्ट, कॉइन कलेक्ट करने का करता है वो, राहुल, राहुल कॉइन कलेक्ट करता है। द कॉइन्स आर ऑन द टेबल आर, अब जो कॉइन्स टेबल पे हैं वो किसके हैं, राहुल के हैं, तो राहुल के लिए क्या आ जाएगा, हिज। द साइकिलिंग क्लब गेव अस न्यू साइकिल्स, अब साइकिलिंग क्लब ने हमें नई साइकिल्स दी। दोज बाइसिकल्स आर, वो बाइसिकल किसकी है, हमारी, तो आर्स। री राइट द क्वेश्चंस यूजिंग प्रोनाउन, यानी अब जब यहाँ है ना तो यहाँ प्रोनाउन लिखना, ये तो आसान है, ये आप कर भी चुके हो पहले। वेयर आर कृति एंड रामा प्लेइंग, कृति और रामा की जगह क्या आ जाएगा, दो जने हैं, दे। कैन यू हेल्प सर्च माई बैग, मेरा बैग, तो कैन यू हेल्प मी सर्च फॉर, माई बैग थिंग है ना, इसलिए क्या आएगा, इट। अभी तो पढ़ने, वेयर इज मिसेज रॉय, मिसेज रॉय लड़की है, क्या आ जाएगा, वेयर इज शी। कैन यू शो योर होमवर्क टू योर फादर, योर होमवर्क, इट, योर होमवर्क नॉन लिविंग थिंग हो गई ना, इट बिलोंग्स टू हर, शी नहीं आएगा, क्योंकि अब कोई चीज हो गई,
समझे, तो बिलोंग्स टू हर। हाउ डिड शी गेट हर्ट, अब अमन सॉरी तो ही आ जाएगा। हूज पेट इज टॉमी, तो हूज पेट इज इट, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है, सॉरी एनिमल है, तो एनिमल के लिए भी इट आता है।